सो गाइस, हम लोगों ने जो सीट कवर चूज़ किया वो उसका खासियत एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप देख लो उधर साइड पे मैकेनिक जो है वो दिखा रहा है, आप चेकआउट करो। सो गाइस, ये सीट कवर आप देख सकते हो पूरा स्केच प्रूफ है, कोई स्केचेस वगैरह नहीं लगेगा इसमें। सो हाय फ्रेंड, तो कैसे आप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पर। सो फ्रेंड, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो पल्सर 150 के ऊपर वीडियो है, हंटर के ऊपर नहीं है भाई, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ वेलिंगटन पर, मेरा भी बाइक का काम कराऊंगा। वो वीडियो नेक्स्ट मतलब आपको बाद में या फिर इसके पहले आपको देखने को मिल जाएगा कि होगा, आई थिंक मिल भी गया। सो बस वो आपको बता दिया हूँ, अभी वेलिंगटन पर जाऊंगा, उसके पहले पाले भाई के पास जाऊंगा, पल्सर 150 का जो सीट कवर है वो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो लेक्सी क्या कुछ होता है सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा, स्क्रैचलेस सीट कवर है, ब्लेड देकर अगर आप काटना भी चाहते हो तो नहीं काटेगा। सो चलते, बाद में आपको दिखाता हूँ सारी चीज़, आप वीडियो पूरा देखिए, बाय। सो है गाइस, अभी आ गया हूँ वेलिंगटन के बाइक मार्केट पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो पल्सर 150 का सीट कवर इंस्टॉल होने जा रहा है अभी, एंड यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यही सीट कवर लेने के लिए सोच रहा हूँ, एंड ये सीट कवर का जो खासियत है वो एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ गाइस, चेकआउट करो। सो यही खासियत है, मतलब इस पर आप अगर चाकू से भी मतलब ऐसे इधर उधर करोगे तो ये नहीं काटेगा ये सीट कवर, मतलब बहुत ही मजबूत है आप बोल सकते हो। अगर ब्लेड से भी काटने की कोशिश करोगे तो नहीं काटेगा, एंड इधर साइड पे देख सकते हो नॉर्मल सीट कवर जो है उसमें मतलब ऐसे ही हाथ लगा के फाड़ दे रहा है, मतलब नॉर्मल जो सीट कवर है उसमें बहुत ही आसानी से आप फाड़ सकते हो, बट ये जो सीट कवर है गाइस ये इसको आप आसानी से फाड़ नहीं सकते हो, मतलब बहुत ही मजबूत है। इसका जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, एंड इसमें स्केचेस वगैरह मतलब नाखून से भी स्केच करने की कोशिश किया हूँ बट स्केचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बहुत ही बढ़िया है। बट इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाला जो सीट कवर है, बट कितना प्राइस है सारी चीज़ आपको एंड के पहले बता दूंगा, वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। एंड अभी आप गाइस चेकआउट कर सकते हो, सीट कवर का जो काम है वो स्टार्ट हो ही गया है। सो ऊपर साइड पे देख सकते हो बहुत सारा सीट कवर यहाँ पर मिल जाएगा वेलिंगटन पर, मतलब बहुत सारा चीज़ आपको चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। सो आप यहाँ से खरीद सकते हो, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी आपको करना चाहिए, सो ये भी आपको बोल दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से अभी इंस्टॉल कर रहा है जो सीट कवर है, इसको काट करके मतलब सीट पे सही से इंस्टॉल करेगा, कैसा इंस्टॉल का प्रोसेस रहता है सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। देन यहाँ पर गाइस अभी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर दर्जी का जो मशीन होता है सो वहाँ से अभी सिल जा रहा है जो सीट कवर है उसका काटिंग कर रहा है। सो गाइस अभी आप चेकआउट कर सकते हो, अभी एक पीछे का जो सीट है उसका कवर चढ़ा चुका है जो मैकेनिक है वो, एंड दिखने में कैसा लग रहा है आप चेकआउट कर सकते हो। पीछे में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल जो कंपनी वाला फिटेड है वैसा ही काम करके दिया है, मतलब जो स्टेबलर है स्टेबलर करके दिया है चारों तरफ, ऐसे रस्सी लेकर नहीं इंस्टॉल किया है। सो ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। एंड अभी जो मेन सीट है उस पर भी स्टेबलर कर रहा है जो कि आप देख पा रहे हो, मतलब सही से इंस्टॉल कर रहा है। सो ये चीज़ भी आप चेकआउट कर सकते हो, आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट देख लेना। सो चलते हैं, एंड के पहले आपको बता दूंगा इसका प्राइस कितना है, कैसा लगा मेरे को। सो किस शॉप से करा रहा हूँ वो भी आपको थोड़ा बहुत एक बार दिखा दिया हूँ। वेलिंगटन पर बहुत सारा मतलब ऐसा सीट कवर का आपको शॉप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है गाइस वहाँ पर ही जाके ये चीज़ कराना, नहीं तो बाद में दिक्कत भी हो सकता है। सो उसके वजह से आपको बोल रहा हूँ, एंड इस शॉप पर भी आके ये काम सीट कवर का काम करा सकते हो, काफ़ी अच्छे से करके दिया है सीट कवर का काम, एंड जो मैकेनिक है उसका बिहेवियर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सो उसके वजह से आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर आके काम करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बहुत ही अच्छे से फिट करके दिया है, इंस्टॉलेशन जो था वो बहुत ही अच्छे से किया है। सो बस उसके वजह से आपको बोल रहा हूँ, एंड प्राइस कितना पड़ा है वो भी आपको बाद में बता दे रहता हूँ। सो चलते, अभी आप देख सकते हो गाइस अभी सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन का काम था वो पूरा डन हो गया है, एंड देख सकते हो कैसे फिटिंग किया है, आपको चारों तरफ अच्छे से एक बार दिखा दे रहा हूँ कैसे स्टेबलर मार के जो किया है काम आप देख सकते हो। एंड जो सीट कवर है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, स्केचेस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, मतलब बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जो बंदे ने मतलब मेरा जो भाई है संजीत भाई वो एक ऑफिस में काम करता है, मतलब हर दिन बाइक चलता है, सो उसके वजह से ऐसा सीट कवर तो ज़रूरी था मेरे हिसाब से। सो बस उसके वजह से ही सोचा कि यही चीज़ बढ़िया रहेगा, सो उसके लिए इंस्टॉल कर चुका हूँ। सो आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, बाद में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। सो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, बाय। सो गाइस अभी बात करते जो सीट मतलब कैसे इंस्टॉल कर रहा था वो तो आपको दिखा दिया हूँ, एंड सीट का क्वालिटी ओवरऑल मतलब सीट इंस्टॉल करने के बाद कैसा निकल के आया है वो आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देन उसके बाद आपको कितना प्राइस है वो जो सीट कवर का वो भी आपको बता देता हूँ। सो पहले एक बार क्वालिटी चेकआउट करो, मतलब फिटिंग का जो इंस्टॉलेशन का जो कैसा इंस्टॉल हुआ है कैसा फिटिंग हुआ है वो एक बार आप चेकआउट कर लो।
सो गाइस सीट का क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड आप साइड का फिटिंग वगैरह देख सकते हो, इधर साइड से दिखा दो फिटिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, साइड का फिटिंग एंड इधर साइड का भी फिटिंग देख सकते हो। यहाँ से टीचिंग किया है वहाँ पर, आई थिंक मेरा ब्रदर वो क्लिप्स दिखाया है। सो यहाँ पर देख सकते हो टीचिंग काफ़ी अच्छा है, मतलब जो इंस्टॉलेशन का जो मैकेनिक था वो काफ़ी अच्छा था मेरे को लगा। सो उसके लिए आपको बता रहा हूँ। एंड फिटिंग भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से कर दिया है। एंड पीछे का भी देख सकते हो, पीछे का स्पिल सीट का भी आप देख सकते हो बिल्कुल सही से फिटिंग काट दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। चारों तरफ आप देख सकते हो फिटिंग। सो मेरे को तो मतलब सीट कवर जो है जो फिटिंग किया है वो तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड जो सीट कवर है ये भी अच्छा है, मतलब इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बट इसमें आपको दिखा दिया हो कि ब्लेड मारने से भी नहीं ये जो सीट कवर है ये नहीं काटेगा। सो उसके बाद ऐसे ही ये सीट कवर खरीदा हूँ इस बाइक के लिए। एंड आप देख सकते हो मैं थोड़ा नाखून मार के भी दिखा देता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। सो आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। सो गाइस अभी आपको बता देता हूँ कि इसका जो सीट कवर का जो प्राइस है वो कितना पड़ा, आपको बता देता हूँ। वो ओनर से ही मैं एक बार पूछ लेता हूँ कितना पड़ा। 750 पड़ा, पहले 800 बोल रहा था, थोड़ा सा बार्गेनिंग किया हूँ एंड उसके बाद 750 में ये फिट कर दिया है। पूरा इंस्टॉलेशन चार्ज लेकर ही 750 लगा है, सारा चीज़ मतलब करके दिया है, सीट को पूरा खोल के सीट फिर से बाइक में सही से मतलब फिट करने के बाद ही 750 लिया है। सो आपको बता दिया हूँ इसका प्राइस, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ब्लेड मारने पे भी ये नहीं काटेगा भाई, आपको दिखा दिया हूँ पहले वाला क्लिप्स में। सो बस यही था वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो या पर जो रेड कलर का बटन आ रहा है इसको जरूर प्रेस कर देना। सो बाय, मिलते ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ। एंड हंटर के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो बोल सकते हो, एंड पल्सर 150 के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बोल सकते हो, मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो बनाने का। सो गाइस उसके साथ और एक चीज़ खरीदा हूँ, आप देख सकते हो हेलमेट, एंड इस कंपनी का हेलमेट नहीं है। किस कंपनी का हेलमेट है? भेगा कंपनी का हेलमेट है बट इस बॉक्स पे दे दिया है, क्या ही कर सकता हूँ भाई, थोड़ा मोबाइल को। सो आप देख सकते हो इधर साइड से मैं अभी हेलमेट को बाहर निकाल देता हूँ। दिखने में काफ़ी अच्छा है, आपको दिखाता हूँ, बाहर निकल गया है, इसको थोड़ा साइड कर देगा। सो गाइस चेकआउट कराएगा, अच्छे से देगा सिनेमेटिक टाइप, ये लुक देगा कैसा है, इधर साइड से भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। राइडर विनय का जो हेलमेट है उसके जैसा ही है बट थोड़ा सा अलग सा है। एंड यहाँ पर देख सकते हो कंपनी नेम भेगा लिखा हुआ है। एंड सो गाइस जो भाइजर है वो भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, इसका कलर आप चेकआउट कर सकते हो, क्रोम फिनिशिंग में दे रखा है, दिखने में काफ़ी अच्छा है। एंड खोलने के बाद कुछ ऐसा लगता है, ये चीज़ भी आप देख सकते हो, ये वेंटिलेशन के काम करता है ये चीज़। सो एंड पीछे पर आपको दिखा देता हूँ क्वालिटी कैसा है, आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, अंदर में आप देख सकते हो सारे चीज़ सॉफ्ट है। एंड मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है, पीछे पर ISI का मार्क है, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भेगा यानी यहाँ पर देख सकते हो गाइस स्पॉइलर है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड चलाने के टाइम में तो और भी अच्छा लगेगा, इस बाइक के साथ मैचिंग करके ही लिया हो, आप चेकआउट कर सकते हो बाइक पे कैसा लग रहा है। सो बस अभी इसका क्लिप भी देख सकते हो, एक बार क्लिप भी देखा दो इसका गाइस, क्लिप भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो एक बार पैन के आपको दिखा देता हूँ बी ब्लॉक का, पैन लोग पहनने के बाद साइड को बल गाइस देख सकते हो, पहनने के बाद कैसा लग रहा है। एंड वाइजर देने के बाद देख सकते हो बिल्कुल सेक्सी लुक है, साइड को बल आप देख सकते हो, स्पॉइलर देख सकते हो, ये भी लग रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे को तो काफ़ी पसंद है। एंड ये खरीदा है संजीत भाई ने, मैंने ही सो उसको ही बोला था ऐसा खरीदने के लिए। एंड इसका जो प्राइस है गाइस वो भी आपको बता देता हूँ, 1600 पड़ा है, थोड़ा सा मतलब बार्गेनिंग कर रहा था बट उससे नीचे नहीं लिया है, 1600 भाई ये चीज़ परचेस किया हूँ। सो आपको बता दिया हूँ, कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ये हेलमेट अच्छा लगा तो बोल सकते हो, बुरा भी लगा तो बोल सकते हो। सो बस भाई यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ, बाय, हैप्पी गुड डे वॉइस। एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बाय।